लिखते हैं। तो पहले एंट्री है परचेस मशीनरी फॉर कैश ऑफ रुपीज 20,000, मतलब 20,000 के हमने मशीनरी परचेस किए। तो पहले ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है, तो पहला है मशीनरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो एंट्री ऐसी की जाती है, पहला लिखा जाता है मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 20,000। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बींग परचेस मशीनरी फॉर कैश, मतलब क्या परचेस किया है, मशीनरी किस पर किया है, कैश पर किया है, हमने कितना 20,000 को परचेस किए। तो ये है पहले एंट्री। तो दूसरी एंट्री क्या है, परचेस कार वर्थ रुपीज 6 लाख, मतलब हमने जो कार है वो परचेस की है, पर कितना अमाउंट है 6 लाख, पर किस पर किया, वर्थ रुपीज 6 लाख, वर्थ मतलब उधर कैश ही, मतलब हमने कैश पर लिया है। तो इसमें दो है, फर्स्ट है कार लिए है हमने, पर कार किस पर ली है, कैश पर ली है। तो एंट्री ऐसी आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इसका इधर भी हमको लिखना पड़ना है अमाउंट क्या है 6 लाख। इसका नरेशन आएगा बीइंग परचेस कार फॉर कैश, मतलब नरेशन आएगा बीइंग परचेस कार फॉर कैश, मतलब जो हमने कार परचेस की है, क्या परचेस की है, कार। सेकंड एग्जांपल जो हमने देखा है परचेस कार वर्थ रुपीज 6 लाख। तो ये एग्जांपल होने के बाद थर्ड एग्जांपल है परचेस लैंड फॉर कैश, हमने क्या लिया है, हमने क्या परचेस किया है, लैंड, पर किस पर किया है, कैश। तो एंट्री ऐसी आएगी, लैंड अकाउंट डेबिट रुपीज 1,50,000 टू लैंड अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्रॉस लिखनी है 1,50,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग परचेस लैंड फॉर कैश, मतलब जो लैंड है वो हमने कैश पर परचेस किए, कैश। तो ऐसे एंट्री है, एग्जांपल है परचेस लैंड फॉर कैश ऑफ रुपीज 1,50,000। तो ऐसे उसकी एंट्री आने वाली है। ये एंट्रीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जर्नल एंट्रीज में आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो फोर्थ है परचेस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 50,000, मतलब 50,000 की हमने इक्विपमेंट परचेस किया है, मतलब हमने खरीदा है। तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, सबसे पहला है हमने क्या परचेस किया है, इक्विपमेंट हमने परचेस किया है, तो किस पर किया है, कैश है। तो पहला आएगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 50,000 टू कैश अकाउंट, रुपीज अमाउंट कभी भी क्रॉस लिखनी चाहिए, बीइंग परचेस इक्विपमेंट फॉर कैश, मतलब जो हमने इक्विपमेंट खरीदा है वो किस पर किया है, कैश पर हमने वो परचेस किया है, मतलब जो इक्विपमेंट है वो हमने कैश पर परचेस किया है या खरीदा है। तो ये थे
परचेस वाले एंट्री देखेंगे, सेल्स ट्रांजेक्शन मतलब सेल्स के जितने एंट्री है वो मैं बताने वाला हूँ। मैं तो सिखाने के लिए 4 ले रहा हूँ, जब जर्नल फॉर्म लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। दो तीन एग्जांपल में जर्नल के आपको बताऊंगा तो उस पर कैसे एंट्रीज किए जाते हैं तो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स। तो ये है सेल्स के ट्रांजेक्शन्स। तो पहला है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ऑफ रुपीज 28,000, मतलब जो मशीनरी है वो हमने कैश पर सोल्ड की। मतलब पहला मशीनरी और दूसरी है कैश। तो सोल्ड ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, तो पहला आएगा कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 28,000 टू मशीनरी अकाउंट कितना है 28,000। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मतलब जो हमने मशीनरी परचेज की है वो हमने कैश पर बेची है, मतलब क्रेडिट पे भी नहीं बेची, हमने कैश पर बेची। तो सेकंड एग्जांपल है सोल्ड कार फॉर कैश ऑफ रुपीज 3 लाख, मतलब जो कार थी वो हमने 3 लाख को सोल्ड कर दी है। तो पहला है कार, दूसरा है कैश। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 3 लाख, 3 लाख है तो टू कार अकाउंट, अमाउंट कभी भी क्रॉस लिखने की है, बीइंग सोल्ड कार फॉर कैश। हम नरेशन लिखेंगे तो सेकंड वाले की एंट्री ये थी। तो थर्ड है क्या है, सोल्ड फर्नीचर, क्या सोल्ड किया है, फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 कितने को, 20,000 को। तो सबसे पहला आएगा फर्नीचर और दूसरा आएगा कैश। तो हम एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट रुपीज है 20,000 कैश टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कभी भी क्रॉस लिखने की है। इसका नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड फर्नीचर, क्या किए, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, मतलब जो फर्नीचर है वो हमने कैश पर सोल्ड किए। तो फोर्थ एग्जांपल है सोल्ड इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 18,000, मतलब जो इक्विपमेंट है वो हमने 18,000 को सोल्ड किया है। तो पहला है इक्विपमेंट तो दूसरा है कैश। तो इसकी एंट्री ऐसे आएगी कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 18,000 टू इक्विपमेंट अकाउंट अमाउंट कभी भी क्रॉस लिखने की है और क्लोज करने की है, बीइंग सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश, मतलब ये जो हमने इक्विपमेंट सोल्ड किए वो किस पर किए, हमने कैश पर सोल्ड किए। तो ये थे पूरे 4 एग्जांपल्स मैंने आपको सेल्स ट्रांजेक्शन के बताए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो तीसरा हम देखेंगे परचेस ऑन क्रेडिट। तो थर्ड जो
जो हमें खरीदी करते हैं या हम परचेस करते हैं पर वो हम क्रेडिट पर करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे परचेस ऑन क्रेडिट।